उस बिल्लाई मैंने शैतवान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम शकरकंदी बना रहे हैं तो मैंने कहा कि उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँ। ये मैंने शकरकंदी ली थी तकरीबन हाफ के जी है और इसको मैंने पहले से भी थोड़ा सा धोया हुआ था लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने इसे कर दिया, पानी में भिगो दिया था। और अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरह ब्रश से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, आपको दिख रही होती है। उसके बाद साफ करने के बाद हम इसे बॉइल करेंगे, ये पूरी इसी तरह साफ होगी। उसके बाद हम इसे बॉइल के लिए रख देंगे और मैं आप ये साफ़ करने के बाद मैं पानी डाल के जो बॉईल करूँगी तो आपने जिस भी बर्तन में रखना है वो जब इस इतना पानी डालना है कि ये इसमें इस तरह ये डूब जाए। फिर उसके बाद आपने तेज़ आंच पे वो बॉईल दे देना है और फिर हल्की आंच पे जैसे दम लगाते हैं लगा के छोड़ देना। तकरीबन 20 मिनट में ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती है तो मैं ये रखने और उसके बाद आपको दिखाऊँगी क्या क्या। मैंने आपको कहा था 20 मिनट लेकिन ये 20 मिनट में मैंने चेक की तो नहीं गली थी, मैंने 10 मिनट और इसे रखा है। तो अब ये देखें ये गल गई है, ये देख रहे हैं बिल्कुल। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसे साफ करेंगे। बहुत मज़े की गल गई है, अब हम इसे नीट कर लेंगे। आप फोक ले लें, छुरी ले लें, जिससे आपको आसानी से होता है। हम ये सारा इस पे से छिलका आराम आराम से रिमूव कर लेंगे। इस साइडें जो है ना उतार देनी है क्योंकि ना साइडों में इसकी रूट्स होती हैं तो वो ज़रा मज़े की नहीं होती। आपने उतार के अलग कर देनी है, वो नहीं खानी, बाकी आपने स्लाइस कर लेने। ये अब तैयार हो गया, मैंने इस पे थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है और केचप है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी खाएं, लींबू निचोड़ के खाएं, चाट मसाले से खाएं, केचप से। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जिस मौसम में ये आई है इस मौसम में आप इसे उबाल के वीक में दो कम से कम 2 टाइम्स अपने बच्चों को दें। इसमें विटामिन ई ए है और इसके अलावा ये स्किन, बालों और हार्ट के पेशेंट के लिए भी अच्छी है। शुगर के पेशेंट इसे अवॉइड करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।